तो मेवाड़ के अगले शासक के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, और उन अगले शासक का नाम है राव गांगा का बेटा, जो मारवाड़ के इतिहास में पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध रहा, उसका नाम था राव मालदेव। 1532 से लेकर 1562 तक इन्होंने शासन किया, और राव मालदेव को मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ का पितृहंता या फारसी इतिहासकारों के द्वारा इन्हें कहा गया हशमत वाला राजा। हशमत वाला राजा का मतलब है अपने आप में एक बड़ी शख्सियत रखने वाला व्यक्ति। तो फारसी इतिहासकार जो थे उन्होंने इन्हें हशमत वाला राजा कहा है, और राजस्थान के इतिहास में मारवाड़ के पितृहंता के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना, चौहानों का पितृहंता है आपके जगदेव चौहान, मेवाड़ का पितृहंता है उदा उदयकरण जिसने कुंभा को मारा, और मारवाड़ का जो पितृहंता है वो है आपके राव मालदेव, और प्रतिहारों का अगर पितृहंता पूछा जाए तो वो है आपके मिहिर भोज, अपने पिता को मार के वो भी राजा बनता है। जब मालदेव जी राजा बने थे तब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य इनके अधिकार में नहीं था। जब राव मालदेव राजा बने तो सोजत और जोधपुर केवल दो परगने इनके पास थे। बाद में कई विजय अभियान इनके द्वारा किए गए, और एक एक करके जोधपुर और जोधपुर के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को जोधपुर में मिलाया। तो डाउन टू अर्थ आदमी था, कुछ इसके पास था नहीं, खोने के पास इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ था। और ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को निखार कर एक व्यक्ति मारवाड़ की गद्दी पर बैठता है, राव मालदेव। तो जब ये शासक बना तो केवल जोधपुर और सोजत दो ही परगने इसके अधिकार में थे। एक एक करके इसने विजय अभियान शुरू किए, और इसने सबसे पहले जिसको लपेटे में लिया वो था वीरमदेव। वीरमदेव को हराकर मेड़ता पर अधिकार कर लिया, और बाड़मेर वाला क्षेत्र भी चूंकि इस वीरमदेव के हाथ में था इसलिए मेड़ता और बाड़मेर वाला क्षेत्र वीरमदेव को हराकर इसने प्राप्त किया। इसके बाद दौलत खां को हराकर नागौर ये जीत लेता है। इसके बाद वीरा सिंगल को हराकर भादरजूना पर भी अधिकार कर लेता है। तो जोधपुर और सोजत चूंकि शुरुआत में दो ही चीजें इसके पास थी इसलिए मेड़ता नागौर भादरजूना कई सारे क्षेत्रों पर इसने अपने अधिकार कर लिए, और अधिकार के इसी क्रम में इसने अटैक किया जैसलमेर पर। तो जैसलमेर का जो राजा था नाम था उसका राव लूणकरण। लूणकरण क्योंकि मालदेव से लड़ने की कंडीशन में नहीं था, मालदेव से अच्छे अच्छे तुर्रम का घबराते थे, तो मालदेव को राजी करने के लिए उन्होंने फलोदी दे दिया। तो जोधपुर पर जब अटैक किया तो जोधपुर वालों ने भाई कौन लड़े इस आदमी से, तो ये फलोदी देकर इसको बहला फुसला दिया कि अब मत आना। एक दिन शाम को जब बैठे हुए जो जैसलमेर वाले आपस में बातचीत कर रहे थे राजा सरदार वगैरह, तब बात सामने निकल कर आई कि यार आप इस चीज को कौन श्योर कर सकता है कि अब मालदेव वापस अटैक नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी है क्या कि मालदेव अटैक नहीं करेगा, मालदेव वापस अटैक करेगा। तो इस बार तो फलोदी दिया है, अगली बार क्या दोगे, जैसलमेर दे दोगे। जैसलमेर वाले ने कहा कि यार हम इससे लड़ भी नहीं सकते, हम इससे जीत भी नहीं सकते, अब देने के पास कुछ था है भी नहीं अपने पास, फलोदी दे चुके पहले, अब क्या किया जाए। तभी एक मंत्री ने दिमाग लगाया और कहा कि साहब एक काम करें, मालदेव के साथ अगर हम रिश्ता जोड़ लें जैसलमेर का, जैसलमेर की किसी राजकुमारी की शादी अगर मालदेव के साथ कर दें तो जैसलमेर मालदेव का ससुराल लगेगा, और अपने ससुराल पर तो कोई कौन आक्रमण करेगा। राजा ने कहा कि भाई बात तो ठीक है, लेकिन शादी किसकी करेंगे, कि अपनी बेटी की उमा की। तो उमा दे भटियाणी जो जैसलमेर के राव लूणकरण की बेटी थी उसकी शादी हुई साहब जोधपुर के राव मालदेव के साथ शादी हुई। जब शादी का प्रस्ताव राव मालदेव जी के पास आया तो मालदेव जी भी प्रसन्न हुए, भाई उमा दे सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो शादी करने से कौन मना करेगा, ठीक है आप जिस दिन तैयारी हो जाए मुहूर्त वूरत निकल जाए बता देना, मैं आ जाऊंगा बारात लेकर। शादी का दिन तय हुआ, मालदेव जी बारात लेकर चले जाते हैं जैसलमेर। अब जैसलमेर जैसे बारात इतनी इतनी खतरनाक इतनी जोरदार इतनी शाही बारात मालदेव जी लेकर जाते हैं कि जैसलमेर की गलियों में राव मालदेव की बारात के किस्से गूंजने लगते हैं। और शाम को जब तोरण वोरण मारने का टाइम था तो उमादे भटियाणी की सहेलियां उमादे को चिढ़ाती है कि तेरा पति जो है क्या सुंदर क्या फूटरा लगता है,
और इतनी तगड़ी बारात लेकर आया है, उसमें क्या हाथी घोड़े क्या, इतनी शाही बारात आज दिन तक जैसलमेर में नहीं आई। उमादी के मन में भी लड्डू फूटे कि यार एक बार देखो तो सही मेरी बारात को। लेकिन अब लाडी बाहर तो नहीं आ सकती, इसलिए क्या किया जाए। अब उस जमाने में कोई वोट से फेसबुक इंस्टाग्राम भी नहीं चलते थे, भाई राव मालदेव इंस्टा पे अपनी पोस्ट लगा दे। तो उमादे बारात को देखने के लिए जैसलमेर के किले के ऊपर जाती है, भाई ऊपर किले से तो सारा जैसलमेर दिखे तो बारात भी दिखी जाएगी। तो जैसे उमादे ऊपर छत पे जा रही थी किले पे, तो किले के पास वाले कमरे में जोर जोर से लड़ने की आवाज आए और एक आवाज आए कि मैं उसे मारूंगा। उमादे ने सोचा कि अंदर कमरे में लड़ कौन रहा है, और दूसरी बात कौन किसे मारेगा। उमादे जाके देखती है तो कमरे में उमादे के पापा और उमादे की मम्मी दोनों आपस में लड़ते हैं, और उमादे का बाप ये कह रहा है कि आज जैसे ही लूणकरण आएगा, सॉरी उमादे का बाप लूणकरण कह रहा है कि जैसे ही मालदेव आएगा फेरों में बैठेगा, फेरों में बैठते ही मैं उसको मार दूंगा। उमादे की मां कह रही है डाकी अपना दामाद है, बेटी की शादी कर रहे हैं उसके साथ, उसको मार देगा तो फिर बेटी का क्या होगा। कि बेटी का कुछ ही हो, बेटी को अपने पास रख लेंगे जिंदगी भर, और कुछ नहीं होगा तो सती कर देंगे उसको। लेकिन ये मालदेव जिसके इतनी खुन्नस खाता हूं, उसकी शक्ल पसंद नहीं है मुझे। अभी 10-15 दिन पहले तो जैसलमेर पर अटैक किया था, फलोदी लेके गया था हमसे, और आज हमारी मजबूरी है इस वजह से बेटी की शादी कर रहे हैं, वरना इसको तो मैं बराबर बैठने नहीं दूं। अंतिम रूप से लूणकरण की पत्नी भी उमादे की जो मां थी वो भी कि भाई कोई बात नहीं, भाई मेरी बेटी लगती है तेरी भी तो बेटी लगती है, अब तू जाने तेरा नाश जाने, नाश पीटे बेटी की जिंदगी खराब करेगा कर दे कोई बात नहीं। सारी बात उमादे को पता चली कि मालदेव फेरों में बैठेगा, मालदेव को अपना बाप धोखे से मारेगा। अब उमादे के सामने बड़ी समस्या है कि बाप की भीड़ बोले कि पति की भीड़ बोले। उमादे ने एक डिसीजन लिया, उमादे ने राव मालदेव के पास एक लेटर भिजवाया और लेटर में लिखा, डियर मालदेव मैं आपकी होने वाली पत्नी उमादे भटियाणी, आज जैसे ही फेरों में तुम आओगे तो मेरा बाप धोखे से तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, तो एक काम करना थोड़ा सावधान होके आना, 2-5 आदमी अपने साथ लेके आना। मालदेव के पास जब लेटर पहुंचा तो मालदेव मन ही मन सोचता है कि भाई औकात तो खैर वैसे भी नहीं है लूणकरण की मुझे मारने की, लेकिन जब तूने मुझे बताया है तो कितनी अच्छी बात है, क्या रानी हो तुम यार, कितनी वफादार हो तुम। अब साहब मालदेव ने अपने दोस्तों को बुलाया जो नासिर कुदरे थे पीछे, दोस्तों को बुलाया कि देखो बात ऐसी है मेरे पास लेटर आया है और लूणकरण जो है वो कुछ ना कुछ कर सकता है, तो एक काम करना लूणकरण जैसे ही बाहर में तोरण मारूं और तोरण पे तुम्हें लूणकरण अगर दिख जाए तो लूणकरण को पकड़ के बांध दो, अब ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। तोरण मारने मालदेव जी गए, मालदेव जी ने तोरण मारा, अंदर फेरों में गए, किसी काम से लूणकरण जी बाहर आए थे। लूणकरण जी को बारातियों ने बुलाया, बाराती जो दोस्त थे मालदेव के, लूणकरण जी आओ जी, कि यार तुम बहुत दिनों में तो दिखते हो और आज तो बेटी की शादी है, चलो पार्टी वार्टी करते हैं, दारू वारू पीते। लूणकरण जी ने कहा कि नहीं नहीं बेटी की शादी है, बात ऐसी है कन्यादान करना है। लूणकरण जी को जबरदस्ती पकड़ के बोरे में बंद करके रात भर के लिए गांठ लगा दी, रात भर बोरे में बंद कर दिया लूणकरण जी को। अब जो उमादे पहले मालदेव से कह रही थी कि पापा तुम्हें मारना चाह रहे हैं, अब सुबह विदाई के टाइम पे वही उमादे चिल्ला चिल्ला के रो रही है मेरा बाप किधर है, मेरा बाप किधर है। मालदेव जी कहेंगे पापा छी क्या, हाँ है किधर पापा, पापा को पूरे जैसलमेर वाले ढूंढ रहे और पापा बोरी के अंदर बंद है। पापा को बोरी से निकाला और पापा को सामने ला के खड़ा कर दिया, फिर बाद में विदाई विदाई हुई और उमादे भटियाणी जो है वो जोधपुर आती है। अब रानी बन चुकी है, जोधपुर की महारानी बन चुकी है, पटरानी बन चुकी है। अब किसी भी राजपूत परिवार से अगर कोई लड़की की शादी होकर जाती थी दूसरे परिवार में तो साथ में दासियां वगैरह भी जाती थी, क्योंकि रानी काम थोड़ी करेगी, रानी की दासियां काम करेगी। तो एक दासी जो बचपन से उमादे के साथ रही थी, बचपन से उस दासी का पालन पोषण उमादे के माँ बाप ने किया था, उमादे के साथ स्कूल जाती थी, बड़ी हुई, कई यादें उमादे की उस बचपन से जुड़ी हुई थी, उस लड़की से जुड़ी हुई थी। तो भारमली नाम की जो वो दासी थी, वो दासी भी जोधपुर आ जाती है उमादे के साथ। अब
जोत पुराने के बाद वो एक आध दिन तो गीत वीत गाए, और फिर जैसे ही राव मालदेव जी की सुहागरात का दिन आया तो राव मालदेव जी नशे की हालात में महल में पहुंचते हैं, फुल नशे किए हुए मालदेव जी पहुंचे तो उमादेव उस कोई तैयार वैयार नहीं हुई थी, कोई श्रृंगार में कोई कमी रह गई होगी, लेट हो गई उमादेव। तो उमादेव ने कहा कि एक काम कर भारमली, तू जा और राजा जी के पास ये संदेश लेके जा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप थोड़ी बहुत और पी लो। भारमली जाती है मालदेव के पास, मालदेव जी फुल नशे के हालात में थे और भारमली काफी ब्यूटीफुल थी, तो मालदेव जी ने उमादे के साथ तो बाद में सुहागरात होगी, पहले अपने पास बिठा लिया भारमली को। अब ये बात पता चली उमादे को, उमादे को जैसे इस बात की जानकारी हुई कि अपना पति एक चरित्रहीन आदमी है, अपनी ही एक दासी के साथ संबंध बना चुका है, तो उमादे का दिमाग खराब हो गया, उमादे के झाड़ उठी। उमादे ने कहा कि आज रहूं ना कल रहूं तेरे साथ, जिसे नशे की हालत में यह पता नहीं है कि एक पति होने के नाते तेरे क्या कर्तव्य हैं, तू 5 मिनट मेरा इंतजार नहीं कर पाया, याद रखना आज मैं वचन देती हूं जिंदगी भर जब तक तू जिएगा तब तक तुझे नजर नहीं आऊंगी। मालदेव जी कह रहे हैं कि रात को ज्यादा हो गई थी, तू सुन तो सही मेरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं ज्यादा नशे में था, कि नशे में हो नहीं हो मैं यहां से जा रही। मालदेव जी से रूठ कर चली गई उमादे भटियाणी। इसीलिए ये उमादे भटियाणी जो जैसलमेर के राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी, ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। रूठी रानी का वास्तविक नाम उमादे भटियाणी था, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। और यहां से रूठने के बाद रूठी रानी कुछ समय के लिए तारागढ़ अजमेर के किले में रही, और जब शेरशाह सूरी का अटैक अजमेर पर हुआ तो फिर यहां से अपने ननिहाल मेवाड़ में एक जगह पड़ती है, एक गांव पड़ता है केलवा, उस केलवा गांव में जाकर रहने लगी। और बाद में बताया जाता है कि उमादे भटियाणी जो रूठी रानी थी, इनके द्वारा मालदेव की किसी दूसरी पत्नी से पैदा हुए एक बच्चे राम सिंह को अपने गोद ले लेती है, और उस राम सिंह के साथ में ही केलवा की जागीर में रहती है, अपना अंतिम समय केलवा की जागीर में बिताती है। और केलवा की जागीर में रहते हुए जब इसके पास संदेश आता है कि राव मालदेव जी मर चुके हैं, 1562 की ये बात थी, 1562 में जब राव मालदेव जी मरते हैं, तब संदेश आता है रानी भटियाणी के पास, और उमादे भटियाणी उस संदेश को प्राप्त करके सती हो जाती है। मालदेव जी जब मरे तो रूठी रानी के मन में ये बातें थी कि उस आदमी ने जिंदगी में कभी अपना वचन नहीं निभाया, शादी के 2 दिन बाद ही अपनी औकात दिखा दी, वो अपने पति धर्म का पालन नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक क्षत्राणी, जैसलमेर की राजकुमारी, मेवाड़ की रानी, सॉरी मारवाड़ की रानी, कैसे अपने वचन को भूल सकती हूँ, तो मैं अपने पत्नी धर्म को निभाऊंगी। और बाद में वो सती हो गई। तो ये थी साहब उमादे भटियाणी रूठी रानी की कहानी, जो यहाँ से रूट कर चली जाती है तारागढ़, और तारागढ़ से अंतिम रूप से केलवा, केलवा में जाके ये सती हो जाती है। अब एक चैप्टर इसमें नया जुड़ा, और वो चैप्टर था भारमली का। थोड़ी कहानी इसकी भी समझते हैं। भारमली जो दासी थी, इस दासी के चक्कर में छोड़ दिया किसे, उमादे को, और उमादे नाराज होकर तारागढ़ चली गई, बाद में केलवा चली गई, वहां मर गई। कुछ दिन भारमली के साथ रहे और मालदेव जी, एक दिन भारमली बैठे बैठे ऐसे अपसेट से हो रही थी। मालदेव जी ने पूछा, भाई क्या बात हुई, अपसेट कैसे हो रही है? कि कुछ नहीं जी, घर वालों की याद आ रही है, जैसलमेर की याद आ रही है। जैसलमेर की याद आ रही तो जैसलमेर चली जा, नाराज होने की क्या बात है, इसमें इतना रूठ क्यों रही है, तो इतनी परेशान क्यों, अपसेट क्यों है? भारमली ने कहा कि भाई जैसलमेर जाके क्या करूं, जैसलमेर वाले मुझे रहने देंगे क्या? क्योंकि जैसलमेर की जिस रानी के साथ मैं आई थी, राजकुमारी के साथ मैं आई थी, उसका तो मैंने जिंदगी खराब कर दी तुम्हारे चक्कर में, वो तो नाराज होकर वहां बैठी, अब जैसलमेर जाऊंगी, जैसलमेर वाले नहीं कहेंगे हमारी बेटी की जिंदगी खराब करके आई है। मालदेव ने कहा, तू जा तो सही, तेरी इच्छा हो रही है तू जा, जैसलमेर वालों को मैं देख लूंगा।
तो यहां से जैसे वो जैसलमेर गई, तो जैसलमेर जाने के बाद एक लेटर मालदेव जी के द्वारा जैसलमेर भेजा जाता है कि भारमली जो मेरी प्रिय है वो जैसलमेर आ रही है, और उसके साथ अगर किसी भी प्रकार की ऊंच नीच हुई, कोई मिसबिहेव हुआ, अगर उसने मुझे आके कह दिया कि किसी फला आदमी ने मुझे ये कमेंट किया, तो याद रखना टांगे काट दूंगा, जैसलमेर को खत्म कर दूंगा रातों रात। बारमली आ रही है, उसकी सेवा करो, जितने दिन चाहे उतने दिन वहां रोको, किसी प्रकार का मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। अब बारमली जैसलमेर जाती है, अब जैसलमेर का जो उस समय राजकुमार था, चूंकि भारमली सुंदर थी, मालदेव जी खुद फिसल गए थे इसके चक्कर में, तो जैसलमेर का जो राजकुमार था वो भी इसके चक्कर में फिसल गया, और भारमली इधर छत पे जाए तो वो भी छत पे आ जाए, और भारमली नीचे जाए तो वो भी नीचे आ जाए। अब उस राजकुमार के 3-4 पत्नियां और थी, उनके दिमाग में ये आया कि ये भारमली अपनी ननद का तो घर बिगाड़ चुकी है, उमादे भटियाणी का, वहां तो अपने खेल दिखा चुकी है, अब यहां आ गई और यहां अब ये अपनी लंका लगाएगी। तो उन 3-4 पत्नियों में से, जैसलमेर के राजा की राजकुमारी की जो 3-4 पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी थी वो बाड़मेर साइड की थी। बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, उसके भाई का नाम था बागमल, तो उसे बागा कहा जाता था, और कोटड़ा के थे इसलिए वो बागा कोटड़िया के नाम से जाना जाता था। ऐसे डकैत टाइप का आदमी था, कहीं डाके डाला करता था, अपने साथ ऊंटों की एक सेना रखता था। अब बागा कोटड़िया को उस रानी ने मैसेज भेजा कि भाई बहुत परेशान हूं, वो चुड़ैल आई हुई है बारमली, हमारी ननद का तो घर बिगाड़ चुकी है जोधपुर में, अब यहां आई हुई है, और अब तेरे जो जीजाजी हैं वो जीजाजी भी घलने वाले हैं, उन जीजाजी के भी लक्षण दिखे आए, ये भारमली ऊपर जाती है तो जीजाजी भी ऊपर जाते हैं, और भारमली नीचे आती है तो वो भी नीचे आ जाते हैं, हमारा भी घर बिगड़ने में आ रहा है। बागा ने कहा बस इतनी बात है क्या, ठीक है मैं जैसलमेर आता हूँ। बागा जैसलमेर गया, ऊँट पे बैठ के बढ़िया सवारी लेके, एक आध दिन वहां रुका। अब दोनों बहन भाइयों में बातचीत हो चुकी थी, बागा और बागा की बहन में, जो जैसलमेर की राजकुमार की पत्नी बन चुकी थी, कि जैसे मैं जाऊँगा उस समय एक काम करना, मेरा जो टीका करने के लिए तो आएगी सीख देने के लिए, वो तू मत आना, भारमली को भेजना, और भारमली को मैं उठा के ले जाऊँ। दोनों बहन भाइयों में बात हुई हुई थी, ये एक षड्यंत्र था। अब बागा जैसे ही जाने लगा तो कहा साहब मेरी बहन को बुला लो, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, उधर बाड़मेर पर किसी ने अटैक कर दिया, तो वहाँ जाना है मुझे सेना लेकर, एक काम करो जल्दी से बुलाओ। अब बहन जान पूछ के उस समय नहाने घुस गई, क्योंकि इनकी तो बतलाई हुई बात थी। अब नहाने घुस गई तो उधर बाहर से भारमली आवाज देती है कि आपके भाई जा रहे हैं, और उन्हें कोई टीका वीका आरती वारती करके तो भेजो। तो कहना अभी तो मैं नाई नहीं, और इतनी क्या जल्दी मची हुई है बागा कोर, तो एक काम कर भारमली, तू नाई हुई है ना, तू जा, तू टीका निकाल दे, की बात है मैं निकालू तू निकालू, तू टीका निकाल दे। भारमली टीका निकालने के लिए जाती है, और जैसे ही टीका निकालने के लिए ऊंट पर बैठा हुआ था अपना हाथ ऊपर करती है, तो बागा ने झुककर उसकी कलाई पकड़ी, उसको ऊंट पे बिठाया और उसको लेके फरार हो गया, उसको लेके साथ ये फरार हो गया। और ये बागा कोटड़िया जब भारमली को लेकर गया, तो जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक, कोटड़ा तक, बागा और भारमली में एक नई प्रेम कहानी शुरू हो गई, और राजस्थान की एक अद्भुत प्रेम कहानी है बागा और भारमली की प्रेम कहानी। और इसके बारे में ये पंक्तियां भी कुछ सुनने को ये मिलती है कि जहां तरवरते मोरियो, जहां सरवरते हंस, जहां बागाते भारमली, और जहां दारूते मंस। जहां सरोवर होंगे वहां हंस होंगे, जहां पेड़ पौधे होंगे वहां मोर जरूर होंगे, जहां दारू होगा वहां मांस जरूर होगी, और जहां बागा होगा वहां भारमली जरूर होगी। तो ये बागा और भारमली की कहानी थी, ठीक है साथियों। तो ये रूठी रानी थी, रूठी रानी जिसकी वजह से रूठी थी वो राव मालदेव थे, और राव मालदेव जिसकी वजह से फिसले थे वो भारमली थी, और भारमली ने
कई कांड ऐसे जैसलमेर में भी किए, और फिर अंत में ये अमर प्रेम कहानी बागा कोटड़िया और भारमली की, बागा भारमली के नाम से जानी। ठीक है साहब, अब आगे बढ़ते। तो ये मालदेव जी की पत्नी थी रूठी रानी, जैसलमेर के लूणकरण भाटी की बेटी थी, और इनसे रूट कर तारागढ़ के किले में रही थी। इसके बाद अगली चीज देखते हैं, कुछ क्षेत्र इसके द्वारा, जब पहले मेड़ता बहादुरजुना जीत लिए गए, उसके बाद दो बड़े युद्ध इन्होंने लड़े। एक था आपका पाहेबा साहेबा का युद्ध, जो राव मालदेव ने 1541 में लड़ा, और पाहेबा साहेबा के इस युद्ध में राव मालदेव का मुकाबला होता है बीकानेर के राव जयतसी से। तो राव जयतसी बीकानेर का था, और बीकानेर का राव जयतसी वही है जिसने सेव के गांव के युद्ध में राव गांगा का साथ दिया है। तो ये राव जयतसी और कल्याणमल, जो कल्याणमल राव जयतसी का बेटा है, राव जयतसी और राव मालदेव के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में राव मालदेव जीत गया, और राव मालदेव ने अब अधिकार कर लिया बीकानेर पर। तो बीकानेर पर अधिकार हो गया। बीकानेर पर अधिकार होने के बाद ये जो राव जयतसी का बेटा था राव कल्याणमल, ये यहां से चला जाता है शेरशाह सूरी की शरण में। तो शेरशाह सूरी, जिसके बारे में अभी थोड़ी बहुत जानकारी हम देखेंगे, तो राव जयतसी हारने के बाद इसका जो बेटा था राव कल्याणमल, ये चला जाता है शेरशाह सूरी के पास, और बीकानेर पर अधिकार हो जाता है राव मालदेव का। युद्ध था पाहेबा साहेबा का युद्ध। उसके बाद 1544 में, 1544, 5 जनवरी 1544 में एक अद्भुत और एक अपने प्रसिद्ध युद्ध है, नाम है गिरी सुमेल का युद्ध, क्योंकि पाली के पास जेतारण में यह लड़ा गया था, इसलिए इसे जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध की थोड़ी पृष्ठभूमि हम ये समझते हैं, थोड़ा इंडियन हिस्ट्री की ओर आपको मैं ले चलता हूं। मुगल बादशाह था हुमायूं, हुमायूं बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर, ये दिल्ली का राजा है हुमायूं, ठीक है। इधर बिहार का राजा है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच युद्ध हुए, एक आपके हुआ चौसा का युद्ध, और एक युद्ध हुआ कन्नौज का युद्ध। इस कन्नौज के युद्ध को बीलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1539 में और ये 1540 में, ठीक है सर। इन दोनों युद्धों में विजय होती है शेरशाह सूरी की, और शेरशाह सूरी की विजय होने के बाद शेरशाह आगरा पर अधिकार कर लेता है, दिल्ली वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, और हुमायूं को मजबूर कर देता है भारत छोड़ने पर। तो हुमायूं जब दिल्ली छोड़कर आता है, तो दिल्ली से नीचे उतरने पर अपने राजस्थान आता है, और राजस्थान की मारवाड़ रियासत में इस समय शासक बना हुआ है मालदेव। तो हुमायूं ने मालदेव की सहायता लेने के लिए अपने कुछ दूत भेजे, जैसे रायमल सोनी, अतका खां, मीर समंद, तीन दूत थे, इनको भेजा राव मालदेव के पास। और राव मालदेव से कहा कि साहब मुगल सेनापति हैं, ऐसे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया, अब शेरशाह सूरी पीछे पड़ा हुआ है, तो दिल्ली और आगरा तो हमारे हाथ से निकल चुके हैं, अब अगर आप कोई सहायता वायता दे दो तो बहुत धन्यवाद आपको। मालदेव ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दे देंगे सहायता, क्या चाहिए बताओ। कि साहब एक तो ये है कि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि दिल्ली आगरा हाथ से निकल चुके हैं। कोई बात नहीं है, मैंने भी 1541 में पाहेबा के युद्ध में राव जयतसी को हरा के बीकानेर लिया है नया नया, तो एक काम करो बीकानेर में रह लो, तुम्हारे हुमायूं को बोल दो कि बीकानेर आ जाए, और बीकानेर में मेरा एक बंदा बैठा हुआ है कुंपा, उस कुंपा को जाकर कह देना, मैं भी यहां से संदेश भिजवा दूंगा कि हुमायूं आ रहा है, तो तुम बीकानेर में आराम से रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ और क्या चाहिए। दूसरा ये है कि साहब शेरशाह से लड़ना है, दिल्ली आगरा वापस लेने हैं, तो शेरशाह से लड़ना होगा, तो आप अगर कुछ सहयोग कर सको तो। हाँ हाँ, तब ना ही, जब आपकी इच्छा हो तब, आप तो जिस दिन लड़ने जाओ शेरशाह सूरी से उस दिन फोन कर लेना, सेना लेके वहीं पहुंच जाऊंगा। एक बार तो मुगल सेनापति सोचते हैं कि यार या तो इसको ये पता नहीं है कि भाई शेरशाह सूरी कौन है, या फिर ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो हुमायूं के सेनापति बोलते हैं भाई शेरशाह सूरी से लड़ना है, शेरशाह सूरी से है,
महादेव कह रहा है कि सुन लिया मैंने एक बार में, शेरशाह सूरी तुम इतना डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो जब भी लड़ने जाओ मुझे बता देना, मैं सेना लेके आ जाऊंगा। अभी तुम जानते हो तो क्या शेरशाह सूरी कौन है? मालदेव जी शेरशाह सूरी, देखिए एक बार तेरे शेरशाह सूरी से पूछ लेना मालदेव कौन है, आसपास नाम चलता है भाई का। तुम जाओ युद्ध की तैयारियां करो, जिस समय लड़ो उस समय बता देना। तो इस समय हुमायूं जो है वो दिल्ली छोड़कर इधर जोधपुर के पास में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ, इस जोगी तीर्थ में बैठा हुआ था। जैसे ही ये हुमायूं के सेनापति दरबार से बाहर निकलते हैं, मारवाड़ से बाहर निकलते हैं, उसी समय हुमायूं के भी कुछ शेरशाह सूरी के भी कुछ बंदे मारवाड़ में एंटर होते हैं। यानी कि इधर से तो हुमायूं के दूत गए और उधर से शेरशाह सूरी के दूत आए। हुमायूं वालों ने पहचान लिया कि ये शेरशाह के दूत है, क्योंकि शेरशाह को तो पता चल ही चुका था भाई हुमायूं की हेल्प कर सकता है मालदेव, और हुमायूं किस हेल्प नहीं करनी चाहिए मालदेव, ऐसा शेरशाह का मानना था। तो शेरशाह ने भी अपने दूत भेजे थे ये कहने के लिए कि मालदेव जी शेरशाह का किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना है। उधर पहले मालदेव कमिटमेंट कर चुका है हुमायूं के साथ कि हेल्प कर दूंगा। अब साहब वो दूत जाते हैं हुमायूं के पास और हुमायूं से कहते हैं कि बड़ा मस्त आदमी है, अच्छी मीटिंग रही हमारी, बड़ा आदर सत्कार किया हमारा, और जो हमारी दो समस्याएं थी, एक तो रहने की समस्या, तो रहने का भी जुगाड़ कर दिया। बीकानेर बता रहे हैं कि बीकानेर जीता है नया, तो पूरा बीकानेर अपना ही है, बीकानेर में रह लेंगे अपन। दूसरा, जब भी शेरशाह से युद्ध करने के लिए जाएंगे तो सहायता देने के लिए भी तैयार है अगला आदमी, तो बहुत अच्छी बात है ये, तो बीकानेर मिल जाएगा यार, सैनिक सहायता मिल जाएगी तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, युद्ध की तैयारियां करो। तभी उन तीन दूतों में से एक दूत ये कहता है कि लेकिन एक समस्या है। हुमायूं कह रहे हो अभी तो कह रहे हो कोई समस्या नहीं है, अब कह रहे हो एक समस्या, बताओ क्या समस्या है? कि साहब हम जब मारवाड़ से वापस आ रहे थे तो शेरशाह के दूत भी मालदेव के पास गए थे, तो फिर उन्होंने मालदेव से क्या कहा और मालदेव की उनसे क्या बात हुई हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो जा रहे थे और वो आ रहे थे। हुमायूं अब कंफ्यूजन की स्थिति में, क्या किया जाए, मालदेव के पास जाया जाए या नहीं जाया जाए। हुमायूं के एक दोस्त थे, दरबार में ही थे, उनके अधिकारी भी थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे, नाम था उनका मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख, हुमायूं ने मुल्ला सुर्ख को बुलाया कि मुल्ला जी आओ बातचीत करनी है, कि ऐसे अपने दूत गए थे मालदेव के पास, तो मालदेव ने बीकानेर देने की बात कही, सैनिक सहायता देने की बात कही, लेकिन उसी समय जब ये अपने वाले आ रहे थे तो शेरशाह के दूत वहां जा रहे थे, अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। कहना कौन मालदेव? वो मारवाड़ वाला मालदेव। अरे भरोसा मत कर लेना उस पे, वो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, अपने बाप को मार के राजा बनाया वो, और तू कैसे विश्वास करता है कर सकता है उस आदमी पे? शेरशाह के दूतों से जरूर उसने ये कहा होगा कि मैं हुमायूं को बीकानेर भिजवा रहा हूं और वहां पे मेरा बंदा कूपा है, वो उसको पकड़ लेगा हुमायूं को, और तुम आ जाना और हुमायूं को मुझसे ले जाना। हुमायूं के डर बैठ गया कि अरे मालदेव बड़ा तगड़ा बंदा है, सहायता के नाम पे अभी अपना अपने को बेवकूफ बना रहा है। हुमायूं फिर इधर आया नहीं और हुमायूं सीधा चला गया अमरकोट, और अमरकोट में राणा वीरसाल के महलों में कुछ समय रुका, उसके बाद ईरान चला गया, और अमरकोट में ही अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में। तो ये हुमायूं के साथ इसके संबंध रहे राव मालदेव के। उधर शेरशाह सूरी वाले जो दूत थे, उन दूतों से मालदेव ने कह दिया था कि कुछ टाइम पहले आते तो बात बन सकती थी, लेकिन अब तो मैंने हुमायूं की सहायता करने का वचन दे दिया। हुमायूं सहायता लेने आया नहीं। शेरशाह सूरी के दिमाग में खुन्नस थी कि मैंने अपने दूत भिजवाए थे और मालदेव ने साफ मुंह पे ये कहा था कि मैंने हुमायूं को रक्षा का वचन कर दिया है और मैं शेरशाह की सहायता नहीं करूंगा। शेरशाह का दिमाग खराब, शेरशाह ने अटैक करने की योजना बनाई मारवाड़ पर, और मारवाड़ पर अटैक करने के लिए वहां से सेना की जब रवानगी की, मालदेव के पास संदेश पहुंचा कि साहब शेरशाह सूरी की सेना रवाना हो चुकी है मारवाड़ पर अटैक करेगी। तो मालदेव ने अपने सेनापतियों को बुलाया, भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई,
भाई कैसे युद्ध करना है, कौन कौन युद्ध में आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, कौन कौन से हथियार काम में लेने हैं, क्या योजना रहे, कहाँ युद्ध लड़ना है, सारी बातें हैं। तो मालदेव का एक सेनापति था, उसने कहा कि सर मैं लीड करूँगा सेना को। नाम था उसका जेता, जेतारण का रहने वाला था, नाम था उसका जेता। जेता कहता है कि मालदेव जी नो टेंशन, मैं सेना को लीड करूँगा और शेरशाह सूरी को यूं चुटकी बजा के हरा देंगे अपन। कैसे? कि हम युद्ध जोधपुर में नहीं लड़ेंगे, अपन युद्ध लड़ेंगे जोधपुर से आगे 50-60 किलोमीटर आगे जेतारण में, और मेरा गांव है भाई जेतारण में। क्यों भाई जेतारण? एक तो ये है कि भाई राजधानी तक पहुंचने नहीं देंगे अपन शेरशाह सूरी को, जेतारण में रोक लेंगे 60 किलोमीटर पहले ही, तो राजधानी तो वैसे ही सेफ है अपनी जोधपुर। दूसरा, इतनी बड़ी सेना जाएगी तो उसके रहने खाने पीने ओढ़ने सारी व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मैं करवा दूंगा, एक नंबर व्यवस्थाएं सारी। मालदेव ने कहा भाई ये भी ठीक बात है। उतनी देर में कूपा आ गया बीकानेर छोड़कर, क्योंकि बीकानेर जो पायबा साहिबा के युद्ध में इसने बीकानेर जीत लिया था जेतसी को हराकर, वो कूपा को भी युद्ध का समाचार मिला तो कूपा भी आ गया। अब ये कूपा जो है वो जेता का भाई था, जेता और कूपा दोनों भाई थे। मालदेव जी ने कहा कि कूपा क्या हुआ, तू कैसे आ गया और बीकानेर कैसे छोड़ के आया? बीकानेर की टेंशन मतलब वहां मैंने अपने दोस्त को बना दिया है प्रशासक, पता चला था भाई शेरशाह सूरी पैतृक राज्य पर अटैक कर रहा है जोधपुर पर, तो कैसे मैं नहीं आता? तो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समाचार सुनते मेरे तो रगों में खून दौड़ चुका, मेरे तो बीपी हाई हो गया। और अब मतलब अब तो ये है कि मरना है जोधपुर के लिए या मारना है। मालदेव बड़ा खुश हुआ कि यार तू बड़ा जोरदार आदमी, बीकानेर छोड़ के आ गया युद्ध लड़ने के लिए, ठीक है साहब। जेता और कूपा जो मेन सेनापति थे मालदेव के, वो युद्ध की तैयारियां करते हैं और जेतारण और जोधपुर के बीच में अपना सैनिक कैंप स्टार्ट कर देते हैं, एक शिविर लगाते हैं। शेरशाह सूरी भी जेतारण के मैदान के आसपास आ चुका था और दोनों सेनाओं के बीच में लगभग 5-10 किलोमीटर का अंतर बचा हुआ था, और एक तरफ मालदेव की सेना जिसको लीड कर रहे हैं जेता और कूपा, और एक तरफ है शेरशाह सूरी की सेना। तो मालदेव के जो सेनापति हैं वो है जेता और कूपा, ये दोनों भाई हैं जेता और कूपा। शेरशाह सूरी इस बात को जानता था, बड़ा चालाक आदमी था, कि मालदेव से लड़ना तो मुझे लग नहीं रहा यार। जो बंदा कॉन्फिडेंस देखो आप मालदेव का, जो बंदा अपनी राजधानी छोड़कर राजधानी से 60 किलोमीटर आगे जेतारण में आके युद्ध लड़ रहा है, और आसपास भी सुनने को यह मिल रहा है कि मालदेव अभी तक किसी से हारा नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कि मारवाड़ जीतने के चक्कर में दिल्ली और आगरा भी अपने हाथ से चले जाए। शेरशाह सूरी परेशान हुआ। शेरशाह सूरी ने कल्याणमल और वीरम को बुलाया, मेड़ता का वीरमदेव और कल्याणमल अपने राज्य हारने के बाद शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे और वही उसको बार बार उकसा रहे थे, भाई हमें बीकानेर दिलवा दो, हमें मेड़ता दिलवा लो। शेरशाह ने उन दोनों को बुलाया कि तुम दोनों इधर आओ, कि यार इतना कॉन्फिडेंस, वो बंदा 60 किलोमीटर पहले आके अपना सैनिक शिविर सजा चुका है, इतने दूर युद्ध कौन करता है? तो एक काम करें अपन, बताओ क्या प्लानिंग है तुम्हारी। तो कल्याणमल कहता है कि सर प्लानिंग सीधी है, हम दोनों अपना बीकानेर और मेड़ता ले लेंगे, जोधपुर तुम्हें दे देंगे और मालदेव को मार देंगे। शेरशाह कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता क्या कि इस बार मालदेव को हराने के चक्कर में वो मालदेव दिल्ली और आगरा भी हमसे छीन लेगा? खैर युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध से पहले एक षड्यंत्र रचा जाता है और उस षड्यंत्र के माध्यम से शेरशाह सूरी अपने 4-5 आदमियों को हथियार बेचने वाला बनाकर बेचता है मालदेव के शिविर में। हथियार बेचने वाले जाते हैं, अच्छे अच्छे हथियार जो थे वहां थे, सारे हथियार मालदेव खरीद लेता है क्योंकि युद्ध का समय था, मालदेव सारे हथियार खरीद लेता है। लेकिन मेन षड्यंत्र यह था कि वो हथियार लेने वाले जो हथियार बेचने वाले जो थे उनके साथ शेरशाह ने एक पर्ची भेजी थी और वो पर्ची वहां पर गिरा के आनी थी। उस पर्ची में ये लिखा हुआ था कि शेरशाह जी सब कुछ ठीक हो गया है, मैं मालदेव को लेके आ चुका हूँ जेतारण में मेरे गांव में, और मारवाड़ जैसे ही युद्ध स्टार्ट होगा हम इस मालदेव को पकड़ लेंगे, तुम आना इस मालदेव को मार देना और हम दोनों भाइयों जेता और कूपा को मारवाड़ दे जाना, मारवाड़ सौंप जाना, जोधपुर का किला हम दोनों भाइयों को सौंप जाना। मारवाड़ में जब वो
हथियार बेचने वाले पहुंचे तो मालदेव ने सारे हथियार खरीद लिए। सैनिक हथियार लेकर जा चुके थे और वो बेचने वाले हथियार बेचकर जा चुके थे। मालदेव जी ऐसे ही बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे तो मालदेव जी की नजर एक पर्ची पर पड़ी और उस पर्ची में वो लिखा हुआ था कि मालदेव को हम इधर लिया है। तो उस पर्ची को पढ़ने के बाद मालदेव को लगा कि ये जेता और कूपा ये मरवाएंगे अपन को। ये पर्ची गलती से शेरशाह के पास नहीं पहुंची, ये गलती से इनकी जेब से निकलकर गिर गई, जेता और कूपा की जेब से। मालदेव जी का दिमाग खराब हुआ। मालदेव जी ने वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेता और कूपा, तुम्हारे जैसा विश्वासघाती आदमी मैंने आज दिन तक नहीं देखा। वो तो भला हो कि वो पर्ची मेरे हाथ लग गई, ऐसे न जाने कितनी पर्चियां तुम शेरशाह के पास पहले भेज चुके हो। अब जेता और कूपा कसम खा रहे थे, भगवान कसम, मम्मी पापा की कसम, हमारी नहीं है ये पर्ची, हमारी राइटिंग मिला लो, ऐसी पर्ची हमारी नहीं है और हम क्यों विश्वासघात करेंगे। खच्चा बेटा, तू इसी वजह से जोधपुर छुड़वाकर जेतारण लाया था युद्ध करने के लिए, और क्या कह रहा था तू, सारी व्यवस्थाएं कर दूंगा, ये है तेरी व्यवस्था। और दूसरा कुपत, तू क्या कह रहा था, तेरी रगों में खून दौड़ रहा है, तो बेटा ये था खून दौड़, तू मेरा खून निकलवाना चाहता है। मालदेव वहां से इसको एक षड्यंत्र समझकर जेता और कूपा पर विश्वास न करके वापस जोधपुर आ जाता है। इधर जेता और कूपा, जिन्होंने कुछ नहीं किया था, बड़े स्वामी भक्त आदमी थे, उन्होंने कहा कि यार अब अगर हमारे ऊपर जो एक कलंक लगा है, इस कलंक को अगर साफ करना है तो हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। मात्र 8,000 सैनिकों के साथ जेता और कूपा इस गिरी सुमेल के युद्ध में लड़े और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और उधर लगभग 40,000 सैनिकों को इन 8,000 सैनिकों ने मारा इस युद्ध के अंदर। तो ये युद्ध क्योंकि जेतारण में लड़ा गया इसलिए इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1540 को लड़ा गया, इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। एक तरफ राव मालदेव था, एक तरफ शेरशाह सूरी था। राव मालदेव के जो सेनापति है जेता और कूपा है, इधर शेरशाह सूरी के साथ जो है वो बीकानेर का कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव है। राव मालदेव के दोनों सेनापति इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए और राव मालदेव यहाँ से भागकर चला जाता है शिवाणा बाड़मेर में, अपनी जान बचाकर चला जाता है। बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को शेरशाह सूरी जीत पाया था, क्योंकि जेता और कूपा जिस बहादुरी के साथ लड़ रहे थे, शेरशाह सूरी एक मोमेंट पर जाकर जीता, वरना उससे पहले शेरशाह सूरी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मात्र 8,000 आदमियों ने जेता और कूपा के नेतृत्व में लगभग 40,000 मुस्लिम सैनिकों को मार दिया था। तब इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी कहता है कि आज एक मुट्ठी भर बाजरे के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता मैं, क्योंकि हुमायूं को हराने के बाद वो हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था, दिल्ली आगरा उसके अधिकार में थे, और मारवाड़ को जीत कर क्या मिलता, मारवाड़ में क्या हो सकता है, बाजरा उगता है यहाँ तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता, ऐसा किसने कहा, ऐसा शेरशाह सूरी ने कहा। और किस युद्ध को जीतने के बाद, गिरी सुमेल युद्ध को जीतने के बाद, उस आदमी की मनोदशा आप देखो, मनोदशा उसकी ये है कि इस दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आदमी जीतने के बाद पश्चाताप करे। शेरशाह सूरी जीत गया इस युद्ध में, लेकिन जीतने के बाद पश्चाताप कर रहा है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत को खो दूंगा। तो ये शेरशाह सूरी ने कहा इस युद्ध के संदर्भ में। तो पाहेबा के युद्ध में बीकानेर छीन लिया और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह इस युद्ध को जीत जाता है और जोधपुर पर जो है वो शेरशाह का अधिकार हो जाता है और राव मालदेव जो है वो शिवाणा भागकर चला जाता है। बाद में अगले साल शेरशाह सूरी मर जाता है 1545 में और जोधपुर पर मालदेव वापस अपना अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जीतने के बाद अपने एक सेनापति, नाम था उसका ख्वास खां, इस ख्वास खां को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। अगर शेरशाह सूरी जेता और कूपा का वो जो षड्यंत्र शेरशाह सूरी ने रचा था अगर वो नहीं रचता, तो जेता कूपा और राव मालदेव अगर इन पर विश्वास करता तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी की हार होती,
वो जीत नहीं पाता। तो ऐसे वीर जेता और कूपा जिन्हें इतिहास आज भी याद करता है, वो राव मालदेव के सेनापति थे। इसे गिरिसुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध कहा जाता है। इसकी डेट याद रखना, 1544 में लड़ा गया, हो सके तो 5 जनवरी भी याद रखना, 5 जनवरी 1544 में ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि हम ये देखते हैं कि राव मालदेव के दरबार में 2 दरबारी विद्वान थे, एक दरबारी विद्वान थे ईश्वरदास जी और एक दरबारी विद्वान थे आसानंद जी। ईश्वरदास जी के द्वारा लिखी गई हाला झालारी कुंडलियां और देवयानी, और आसानंद जी के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, उमादे भटियाणी का कवित और बागा भारमली का दुहा। आसानंद जी से रिलेटेड एक बात मुझे ये याद आती है इन दोनों विद्वानों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, कि जब राव मालदेव से रूठकर रूठी रानी तारागढ़ के किले में चली गई थी, तब राव मालदेव के मन में एक पश्चाताप था कि यार एक मेरी गलती, मैं नशे पते में था, भारमली के साथ मैंने संबंध बनाए, इसमें रानी उमादे की क्या गलती है, रानी उमादे अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी तारागढ़ में बिताएगी, इससे अच्छा एक काम करते हैं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ रानी से। तो रानी को लेने के लिए, उमादे भटियाणी को लेने के लिए ईश्वरदास जी को भेजा मालदेव ने कि आप जाओ और उमादे को समझा के आओ। ईश्वरदास जी गए। ईश्वरदास जी ने जाते ही उमादे भटियाणी से कहा कि मैडम वापस मारवाड़ चलो, मारवाड़ के हित में यही होगा कि आप वहाँ चलो, आप पटरानी बनोगे, राव मालदेव अपनी गलती मान रहा है। उमादे ने कहा कि नहीं ईश्वरदास जी, अब नहीं, मैंने अपनी पूरी जवानी अपने सम्मान के लिए निकाल दी, वो आदमी मेरा नहीं हो सका, 10 मिनट मेरा इंतज़ार नहीं कर सका वो लीचड़ आदमी, किस मुँह से मैं वहाँ जाऊँ, पूरी जवानी यहाँ निकालने के बाद अब अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो लोग बाग थूकेंगे मुझ पर, और वो ये कहेंगे कि पहले तो जोश जोश में मुँह फुला के चली गई और अब वापस आ गई, मैं वापस नहीं जाऊँ। ईश्वरदास जी ने फिर समझाया, देखो मैडम बात ऐसी है, आप चलो, जोधपुर का राजा खुद नतमस्तक होगा, खुद आपसे माफ़ी मांगेगा, इसमें आपकी बदनामी नहीं होगी, आपका अपमान नहीं होगा, आप सम्मान की बात है कि जोधपुर का राजा इतना बड़ा, जोधपुर का धनी आपसे खुद माफ़ी मांगेगा। बहुत समझाने के बाद ईश्वरदास जी उमादे भटियाणी को जोधपुर आने के लिए तैयार कर देते, लेकिन उमादे ने कहा कि देखो ईश्वरदास जी, गारंटी ये ले लो पहले कि वहाँ जाने के बाद कोई भी आदमी मेरे ऊपर कोई कमेंट नहीं करेगा कि पहले तो ये चली गई अब वापस आ गई। ईश्वरदास जी कहते हैं कि इस बात की गारंटी मेरी है, और अगर ऐसा कोई कर दे तो आप खुद जोधपुर की महारानी हो, खुद सूढ़ी पर लटका देना साड़े को। उमादे भटियाणी तैयार हुई, जोधपुर जाने के लिए निकली। ये सूचना मालदेव की दूसरी पत्नियों को लग गई। अब मालदेव की दूसरी पत्नियां जो इतने टाइम से बढ़िया सारे विशेषाधिकारों का प्रयोग कर रही थी, रानियां महारानियां बनी हुई थी, अब अगर उमादे यहाँ आ जाएगी तो पटरानी बन जाएगी, मुख्य रानी बन जाएगी, फिर इनकी कौन सुनेगा, इनके अधिकारों का तो हनन हो जाएगा, फिर अधिकार खत्म हो जाएंगे। बाकी रानियों ने आसानंद जी को बुलाया कि आसानंद जी इधर आओ। ये आसानंद जी, कि आसानंद जी उमादे जो रूट के गई थी कि अब उसे वापस आना चाहिए क्या? आसानंद जी कह रहे सवाल ही पैदा नहीं होता, पूरी जवानी अकेले में बिताई है मैडम ने, और अब किस मुंह से आएगी यहां पर, और फिर आना ही था तो पहले रूट कर क्यों गई थी? कहना आसानंद जी वो आ रही है और कल सुबह मैडम की एंट्री हो जाएगी, और मैडम की एंट्री हो गई हमारे साथ मामला गड़बड़ हो जाएगा, आसानंद जी आप जाओ मैडम को रोको। उमादे को रोकने के लिए आसानंद जी जाते हैं और जाके जोधपुर की बाउंड्री पे खड़े हो जाते हैं, और खड़े होके जैसे ही उमादे आती है, उमादे की पालकी आती है, जोर जोर से कविताएं गाने लगते हैं कि मान रखे तो प्यू तज और प्यू रखे तज मान, दो दो गेंद न बंद हूं एक खंबू ठान, कि मान अगर रखना है, सम्मान रखना है तो पति को छोड़ना पड़ेगा, और अगर अब तक तुमने जो सम्मान कमाया है वो पति को छोड़ने की वजह से कमाया है, कि महिलाएं आपस में बात करती है कि क्या महिलाएं उमादे अपने पति को एक गलती पर छोड़कर चली गई, तो मान रखे तो प्यू तज, अगर आपको ये सम्मान बनाए रखना है तो पति को छोड़ना पड़ेगा, और प्यू रखे तज मान, अब आप अगर पत्नी के पास आ जाओगे तो आपका यह सम्मान खत्म हो जाएगा, तो मान रखे
तो पीऊ तज और पीऊ रखे तज मान, और दो दो गेंद न बंद हु एक खंबू ठान, कि दो हाथियों को एक साथ नहीं बांधा जा सकता, दो हाथी एक साथ नहीं रह सकते, एक जगह उनको नहीं बांधा जा सकता, या तो आप पति के साथ रहो या फिर सम्मान के साथ रहो। पति मिलेगा तो सम्मान नहीं मिलेगा, और सम्मान चाहिए तो फिर पति नहीं मिलेगा। आसानंद जी की ये कविताएं सुनकर उमादे के मन में झाड़ आई कि ईसरदास जी मेरी क्यों किरकिरी करवाई, ये आसानंद यहाँ खड़ा होकर मेरी बेइज्जती कर रहा है। वापस तारागढ़ चली गई और फिर तारागढ़ से वापस केलवा में जाके अंत में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो जानकारी है ये उमादे भटियाणी रा कवित जो आसानंद जी के द्वारा लिखा गया, वो जो दोहे थे, वो जो कविताएं थी, वो इस वाली पुस्तक में मिलती है। और बाद में जब भारमली को बागा उठाकर ले गया था, तब मालदेव ने सैनिक अभियान करने के लिए कि बागा से भारमली को छुड़ा कर लाएंगे, तो मालदेव ने सेनाएं तैयार की, तो सेनापतियों ने लड़ने से मना कर दिया कि ये मारवाड़ की सेनाएं ऐसे व्यर्थ कामों के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। इस भारमली की वजह से पहले हमारी महारानी भाग के जा चुकी है, इस भारमली की वजह से जैसलमेर में कलेश हो रहे हैं, और अब ये भारमली बागा के साथ भाग चुकी है। तो हमारा यही काम थोड़ी है कि लड़कियों के पीछे तुम भागे भागे फिरेंगे। तो मालदेव ने फिर आसानंद जी को बुलाया, आसानंद जी उस दिन तुम ही थे ना जब ईसरदास जी मैडम को लेके आए थे मारवाड़ वापस, और तुम ही थे ना जिन्होंने भगवाया था इसको वापस, कविताएं सुना सुना के, वो दोहे सुना सुना के, अब तुम जाओ और भारमली को लेकर आओ। तो बागा के पास भारमली को लेने के लिए आसानंद जी पहुंचते हैं, और वहां बाघा और भारमली जो इन्हें सम्मान देते हैं आसानंद जी को, इनके पेड़ दबाते हैं, इन्हें नए नए पकवान बनाकर खिलाते हैं, इनकी खूब सेवा करते हैं। फिर बाद में उन्हीं के पास रहने लग गए आसानंद जी, वापस मालदेव के पास आए ही नहीं। और बाघा और भारमली के प्रेम पर इन्होंने जो पुस्तक लिखी, जो गीत लिखे, वो थे बाघा भारमली का दुहा। बताया जाता है कि बाघा और भारमली के प्रेम से इतने वशीभूत हुए आसानंद जी कि जब बाघा मरा और भारमली सती हुई, तो इन दोनों की याद में आसानंद जी बागा 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 चिल्लाते चिल्लाते अंत में ये भी मर गए। कुछ समय के लिए अमरकोट चले गए आसानंद जी, और फिर वहां पर भी ये बागा बागा चिल्लाते रहे और अंत में मर गए। तो बागा भारमली रा दुहा और उमादे भटियाणी रा कवित, ये दोनों रचनाएं जो है ये आसानंद जी की है, और हाला झालारी कुंडलियां और देवयानी जो है ये ईसरदास जी की है। ठीक है साहब, इधर स्थापत्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, तो मेड़ता रीवा सोजत और पोकरण के जो किले थे वो किले राव मालदेव जी के द्वारा बनवाए गए। इधर जोधपुर में रानीसर कोट और शहरपना इनके द्वारा बनवाया गया, और अजमेर और जोधपुर के किलों के परकोटे कुछ इन्होंने बनाए थे। तो ये राव मालदेव जी का जीवन काल था। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देखी, सबसे मेन जेतारण की लड़ाई, गिरी सुमेल की लड़ाई, और गिरी सुमेल की लड़ाई शेर शाह सूरी के साथ हुई। जेता और कूपा इनके सेनापति थे, उमादे भटियाणी इनकी पति थी जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध रही। ठीक है साहब, राव मालदेव जी जब मरे 1562 में, तब परिस्थितियां ये थी कि राव मालदेव जी के चार बच्चे थे। एक बच्चा जिसका नाम था राम सिंह, जिसे गोद लिया था उमादे भटियाणी ने, राम सिंह जी को सोजत की जागीर दे दी थी। दूसरा था रायमल, रायमल को दुनाड़ा की जागीर दे दी थी मालदेव जी ने। तीसरा उदय सिंह, इसे गंगाणी की जागीर दे दी थी। और सबसे योग्य बेटा था इनका राव चंद्रसेन। तो राव चंद्रसेन को राव मालदेव जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। बाकी तीनों भाई इस बात को पचा नहीं पाए कि हम तीनों हैं, तीनों के होते हुए भी चंद्रसेन जी को उत्तराधिकारी बना दिया, क्योंकि चंद्रसेन तो काफी छोटा है। तो तीनों भाई जो है वो विद्रोह कर देते हैं। राम सिंह सोजत में विद्रोह कर देता है, रायमल दुनाड़ा में विद्रोह कर देता है, और उदय सिंह गंगाणी में विद्रोह कर देता है। बाद में एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम है लोहावट का युद्ध। जोधपुर के पास एक जगह पड़ती है लोहावट। इस लोहावट के युद्ध में राव चंद्रसेन उदय सिंह जी को पराजित कर देते हैं और मारवाड़ पर अपना शासन स्थापित करते हैं। तो ये लोहावट का युद्ध था। ये राव चंद्रसेन जी जो थे वो अगले उत्तराधिकारी बने। राव मालदेव के चार बेटे थे। बाद में क्या हुआ कि ये उदय सिंह, रायमल और अमर सिंह, ये तीनों जो हैं
राव चंद्रसेन से नाराज होकर पहुंच जाते हैं मुगल बादशाह अकबर के पास, क्योंकि उधर हुमायूं के बाद अकबर अगला राजा बनेगा, तो मुगल बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। ये सारी वही सारी कंडीशंस चल रही है कि महाराणा प्रताप का एक भाई जगमाल अकबर के पास जा चुका है, शक्ति सिंह अकबर के पास जा चुका है। इधर भी सेम वही कंडीशन है कि राव चंद्रसेन जो महाराणा प्रताप के समकालीन थे, इनके भाई भी जाके उधर मिल चुके हैं। तो राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप के बीच कुछ समानताएं हैं कि राव चंद्रसेन के भाई भी अकबर से मिले हुए थे, महाराणा प्रताप के भाई भी अकबर से मिले हुए थे। राव चंद्रसेन ने भी पूरे जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और पूरे जिंदगी भर मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे। इधर महाराणा प्रताप की भी पूरी जिंदगी मुगलों से संघर्ष करते हुए बीती। लेकिन एक असमानता इनके साथ ये है कि महाराणा प्रताप के साथ मेवाड़ की जनता थी, राव चंद्रसेन जी के साथ कोई नहीं था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, राव चंद्रसेन जी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप मारवाड़ के इतिहास को पढ़ते रहिए और इतिहास की कहानियों का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।